एक्नी की 5 टाइप्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी टाइप की एक्नी है तो फिर ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह आज के बाद जो है आपकी एक्नी बहुत हद तक क्योर हो जाएगी, और वो भी विद इन 3-4 डेज। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक वॉच करना है। इंशाल्लाह आज से आपका ये प्रॉब्लम जो है एक्नी का वो हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल हुरैन ब्यूटी हब। चैनल पर नए तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिल सके। हुरैन हाशमी के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक्नी हमारा बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर जब हमारा समर सीज़न स्टार्ट होता है तो मोटे मोटे एक्नी के दाने और पस वाले दाने जो हैं वो चेहरे पे आ जाते हैं, जो हमारी खूबसूरती को जो है ना उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। वाइट हेड और ब्लैक हेड्स जिनको हम सिर्फ एज अ ट्रीट करते हैं जी, ओपन पोर्स की वजह से हमारी स्किन पर आ जाते हैं। असल रीज़न जो एक्नी का ये दोनों चीज़ें होती है, और इसी से हमारी आगे एक्नी जो है पस वाली एक्नी बन जाती है और मोटे मोटे दानों वाली एक्नी बन जाती है। तो इंशाल्लाह आज आपके साथ दो इंग्रेडिएंट शेयर करूंगी जिनसे ना सिर्फ आपकी एक्नी जो है वो क्योर हो जाएगी बल्कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और ये इतने हार्मलेस प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों इतनी हार्मलेस चीज़ें हैं कि आपके चेहरे को भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी और आपकी एक्नी जो है वो भी क्योर हो जाएगी। ये बहुत ही जेब पर हल्की है लेकिन काम में ये बहुत भारी है, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने खुद अपनी एक्नी इससे क्योर की है। हम जो ऐसी चीज़ें होती हैं उन पे कम ध्यान देते हैं और जो एक्सपेंसिव चीज़ें क्रीम्स और ट्रीटमेंट्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि मैं भी इस तरह के सारे प्रोसेस से पहले गुजर चुकी हूँ। मेरे हाथ में है तिब्बत क्रीम। आपको अगर एक्नी है, मेरी इस क्रीम से या मेरी इन दो इंग्रेडिएंट को नहीं भी यूज़ करना चाह रही तो आप अपने एक्नी का दाना जो बन रहा है, निकलना शुरू हो रहा है, उसके ऊपर अगर भर कर ये लगा देते हैं तो वो दाना वहीं बैठ जाएगा। साथ में इसको यूज़ करने जा रही हूँ कोलगेट को। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके मैं आपके लिए बनाऊँगी क्रीम और इंशाल्लाह इस क्रीम से आपकी एक्नी जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप इसको एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और एनी टाइप ऑफ स्किन जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए तो ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपके जो वाइट हेड और ब्लैक हेड्स होते हैं पोर्स ओपन होने की वजह से, उनकी वजह से हमारी एक्नी आगे स्वेयर से स्वेयर होती जाती है, और हमारे पोर्स जो हैं गर्मियों में स्वेट आने की वजह से ओपन होते हैं जिनमें डर्ट और पोल्यूशन आती है, और उनकी वजह से जो है ना फिर हमारा आगे जो है ना एक्नी का प्रॉब्लम वो लंबा होता जाता है, बढ़ता जाता है, वाइट हेड ब्लैक हेड, और फिर वो जो हमारे पस वाले दाने हैं वो बन जाते हैं, मोटे घड़ वाले जो दाने हैं वो बन जाते हैं। तो इंशाल्लाह से आज से जो है ना ये मसला आपका हल होने जा रहा है। आपने एक बॉल ले लेना है कोई भी, और इस क्रीम को आप बना के 3-7 दिन तक फ्रिज में भी रख सकते हैं, किसी भी एयर टाइट जार में बंद करके, लेकिन आपको फ्रिज में रखना होगा। आपने क्या करना है, इक्वल क्वांटिटी में आपने दोनों क्रीम्स को ले लेना, ठीक है। यहाँ 1/2 टीस्पून जो है वो मैं कोलगेट ले रही हूँ और 1/2 टीस्पून ही यहाँ पर जो है वो मैं तिब्बत क्रीम का लूँगी। इसको लगाने का एक ख़ास तरीका है जो आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है और उसी तरीके से लगाना है। आपने इन दोनों क्रीम्स को जो है मिक्स करके फुल फेस पर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको ओवरनाइट रखना है और ओवरनाइट हम कोलगेट पेस्ट जो है उसको फेस पे नहीं अप्लाई कर सकते। इसीलिए आपने क्या करना है, मेरे बताए हुए तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है। और इवन अगर आपकी डीमेंट पे जाने से पहले अक्सर हमें शिकायत होती है जी हमें फ़ौरन से पिंपल आ जाता है 1-2, और जिससे हमारे मेकअप भी अच्छा नहीं होता और फेस ब्यूटी भी ख़राब होती है, तो अगर आपको फील होने लग जाए कि आपके यहाँ पिंपल आने वाला है, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करें और अच्छे से उसको लेप कर दें, सुबह के टाइम हो या रात के टाइम हो, तो इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स जो है आपकी एक्नी का वो दाना जो है वो बैठ जाएगा, और अगर दाना बना हुआ है तो वो 2-3 दिनों में हमेशा के लिए जो है ना वो गायब हो जाएगा। अब अप्लाई किस तरह से करना है, अपने फेस को अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है। ऑयली स्किन है तो कोशिश करें ऑयल फ्री जो है वो यूज़ करें, सोप्स या आपके जो फेस वॉश हैं या बेसन से वॉश कर लें, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में लेके, जैसे मैंने अपनी फिंगर पे ली और आपको नज़र आ रहा है कि मैं भर भर के जो है अपने हाथ पे स्पॉट कर कर के लगा रही हूँ, यानी जहाँ आपके फेस पे एक्नी है, दाने हैं, आपने उसको दाने को जो है इस क्रीम से अच्छे तरीके से कवर कर देना है। सुबह में ये थोड़ा फेस पे लगा ऑकवर्ड ज़रूर लगता है,
लेकिन रात के लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है। आपने इस तरीके से भर भर के अपना जो दाना है उसको कवर्ड कर देना है, और सुबह उठ के क्या करना है आपने इसको रिमूव कर देना है किसी भी फेस वॉश से या बेसन से। ऑयली स्किन वाले जो हैं वो फेस को वॉश करें, बिलीव मी आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एक्नी जो है किस हद तक क्योर होती है आपको नज़र आएगी, और विद इन 3 डेज वो जो पिम्पल या आपका दाना आया होगा फेस पे वो गायब हो जाएगा। बहुत यूज़फुल चीज़ है, आप इसको ट्राई करके देखिएगा और मेरे साथ ज़रूर इसका चेक कीजिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मत बनाएं, लेकिन 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते के लिए बना के आप इसको फ्रिज में ज़रूर रख सकते हैं, और उसके बाद जो है आप इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, रेगुलर भी बना के लगाएं तो बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी चीज़ है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।